क्या बात <laughs> तो आ, मोहंदा सुनी है ने। नमस्कार दगड़ियो आप सुन रहा कार्यक्रम मिसाल बेमिसाल और यो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी तो रजत आज मोहंदा हमारे बीच में आ रही हो बल बड़ी लागनो मतलब मोहनदा इस बड़ी शख्सियत आज हमारे सामने बैठे होना और उनको हम मुरली उनहूं हम धुन साक्षात सुनिया तो इस लागनो की

और वाद्य यंत्र बनोनी लगा घर में मैं अपने श्रोता हन बता दी कि बचपन बटे जब मोहनदा अपन 11 ग्यारह साल वो टाइम ही मोहनदा अपने, अपने बांसुरी और हुड़की और जैला मुरुली कलाकी की इनुक दादाजी जो है घर में तो दादाजी पछेट इनुक सीख रहा तो इनुक वो मैं खून में लग यो चीज़ आ रहे एक बाद जब धीरे धीरे थोड़े ठूल भयान तो बांसुरी बांसुरी सुन ची दुबई में लग इन्हो अपने एक धुन लोगों तक पहुंचा रहा न्यूजीलैंड लग गया जी बिल्कुल तो बहुत ठुल परिचय से आज हम मोहनदा ही उन्हें कहानी

तो हम के जो कौतिक बहुत उत्तराणी तो प्रत्येक कलाकार ऊंची और अपन सु कार्यक्रम में प्रस्तुति तो सबसे कर बांसुरी तून कि दूर लाओ माइको बांसुरी आवाज कति बटी ला मतलब क्या, क्या, क्या दूर तो 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 बाहर लेकिन बांसरी माइक बहुत दूर सुने तो भल लगती फिर वहाँ जो हम यालमा के समान लीबी तो हम फिर बासरी आई कौतिक जे भाई कौतिक जे भाई सामान लेनी तो वहाँ फिर बांसुरी आई तो घर फिर फिर बजोड़ा अभ्यास लगा एक रुपया तब शायद में एक गुब्बारा पता मुख पकड़ने वालों आवाज हुई साइड में टाखी रुनी आई रुनी लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी ठीक थी आपसे बिल्कुल दंड जाओ नहीं बल्कि बीच में तो वहाँ बटी मिली हुएगी घर तो अब हालांकि वो बांसुरी में उदो आवाज तो नहीं थी फिर एक दिन वो बांसुरी जंगल जाने मतलब जो जो गाँव है गए तो वो फुट गई फिर दोबारा बड़े मिल खुद खुद बड़े बड़े दोबारा बा वहाँ बाक्सर में गांव में मिल हमारे गांव में वहाँ कहा बांसरी मिली और वहाँ कोई वो टाइम पर कोई जो, जो टेक्नोलॉजी साधन नहीं थी कि हम इंटरनेट पर खोल पर कोई साधन नहीं थी हालांकि बाजार में उपलब्ध नहीं थी बांसुरी

बल्कि देख रहा ना, ना बीच में इसी चार जो लागे। 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 इसी चार बहुत चली अब टाटा गए भाई बीच में ये बांसुरी इसी चार में सी वो ऊंची वो चावल बिल्कुल निकाली जाओ और ये बड़ा मुरल काट हुई

उमा पड़ो और नाखल लेते रहो एक तो जोया मुरली तो जो फिर जो छो हाँ दादाजी ने थोड़ा बहुत तो टाइम पर दिखा है लेकिन अब उमे जो जो सा लगातार मिलू वो टाइम पर थोड़ा सा हम अभ्यास नहीं थी लेकिन ये वाल जो छू ये वाल बांसुरी सरल थी जो एकदम जो साइड तो बड़े बात है फिर ये

उन बटी तुमको वो आंगुली द्वारा वो निकालना पड़ेगा। लेकिन साइड वाल में थोड़ा अभ्यास करना पड़ो अग अगर यो मतलब यो सिद्ध वाल जो मुर् अभ्यास हो तो एक साइड वाल मतलब बढ़िया अभ्यास है जहाँ

तो उधिन बड़ी थोड़ा सा फिर पता में की एक चैप्टर कि हर स्केला, हर हर मतलब हूँ अलग अलग होनी पे मिलो। तो तब और मन भी यार, और बारीकी मतलब राजको हमारे बिल्कुल थोड़ा सा यूट्यूब में चौरेसर जी हरि प्रसाद जी ने जो हमारे बासुर मनी जानी कुछ वीडियो सुन ची तो कुछ मतलब जैसे ये राग यमन है गे राग पहाड़ी हैगे और राग भीमपलासी है गे, तो उनका सुनने बात तो लेकिन वो बांसुरी टोन और बांसुरी सूरा अलग होए अब जो मे उन अलग हो अब उनको कसी बजाई जाओ कसी पकड़ी जाओ को सुर छू के छू के ताल छू के लय छू और ये तो बड़ी बाजड़ा हो हम हमारे लिए बाजड़ा हो फिर जो तय विषय में खोज शुरू होगी अब वो टाइम पर जो है कि यूट्यूब ही मिलू फिर वो डाउनलोड करी

चलिए बहुत बढ़िया का बातचीत हम करते हो और हाँ हाँ एक देखो गीत तो सबने लगेगी हाँ। कुछ पौराणिक धुन जो हम पूछी जस्ट हमारा दादाजी बड़बाजू जागर और इनमें कई जागर नु में बासुरी बाछी रहता हूँ गंगना बांसुरी में हुआ जो बांसुरी अगर जागर में बाज गयी तो भलमान हुआ

हाँ तो दोस्तों नमस्कार मैं हूं आपका अपना आरजे आरजे रजत और हमारे दिन की शुरुआत होती है सबसे पहले दस बजे की चाय के साथ तो चाय पियो सुड़क करके और फिर से अपना दिन शुरू करो वैसे दोस्तों आपका अभी दिन की शुरुआत जब होती है तो आप मेरे को ये बताओ कि आप रेडियो सुनते हो या नहीं सुनते हो मतलब गाड़ी में आते जाते लोग बेसिकली रेडियो या बहुत सारे अपनी म्यूजिक चलाते हैं अगर आप रेडियो सुनते हो तो एक बात बड़ी अच्छी है पता है क्या दस बजे से आप अपने अपडेट्स भी सुन सकते हो अपने हेलो हल्द्वानी में अब हमारी कोशिश रहेगी कि हम सुबह हर रोज सुबह आपको अपडेट्स दे दिया करेंगे और इवन आप भी हमको अपडेट दे सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है तिहत्तर डबल जीरो छह सौ नवासी एक सौ दो ताकि हमको पता चले कि आपके शहर और आपके इलाकों में क्या ऐसी समस्या है जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है और इवन सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे और आप भी हमारी बातों को अपने कानों तक पहुंचाइएगा ऐसा जब बोलते नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो सब लोग वहाँ पे आ जाते थे सच में मुरली में पावर तो है जब धुन हम सुन रहा हूं। हवा, हवा, मतलब दे रहे हैं तो हम ही खुद मोहित हो जा रहे हैं तो सच में फिर तो बहुत बात है इसमें मतलब जमाना लोग तो बहुत बजूची के बहुत अगर कम थी और मिल तुमको बताया की बासुरी गाँव में उपलब्ध होना बहुत मुश्किल थी तो पहली बार जो एक निगासू पड़ोनी ये बड़ो बांसुरी तो उच्च हिमालय में पहुंची और कुछ खास जमे बीच में जो छो जमे खोखला ज्यादा हो तो लोग बांस जो पहले जोया मुरली बढ़ तो निगांव का बढ़ सी पहाड़ में, में। के तो जोया मुरली ज्यादा प्रचलन थी जोया मुरली के लिए जोया मुरली थोड़ा सा जो कठिन हुई बजू में क्योंकि लगातार मुहल सा तो लोग ने रुझान उतर कुछ कुछ लोग रही जन में बढ़िया आपन तो को करो टाइम पता ये की संस्कृति या कोई याध्याय लोगों का बजू मतलब अपना आनंदी और सिद्ध जी जो मुझे लगभग लगभग मैं आप तो कोई नहीं बजू आप तो बहुत मुश्किल है आप तो कल आजकल युग कुछ दूसर हो आजकल लोग उनका सब चीज फटाफट चाहे

और कुछ तो शौक लीजिए तो ठीक छू कुछ लोग आप शौक नहीं लेकिन जो यहाँ अपन निजी अगर आप जीवन में आपो एक अपन व्यवसाय लीजिए अगर एम आई अगर देखी जाओ तो असली में हमारे जो पहाड़क लोग ना लीजिए तो बहुत कठिन छू कि लेकिन वहाँ उधर रोजगार लाना Hmm. और फिर या या कार्यक्रम या कोई योजना को नहीं हितकारी हो और जी जो कोई पक्का घर वाले सोच लो की हमारे अंतिम जीवन लगभग लेकिन बीच में मिलना फिर आ, संगीत फिर, पहली मिल फिर जो जो बी एस सी आई टी करी हाँ बी ए करो फिर ई बारे में जो जो टेक्निक में जो बहुत है, में जो बहुत ऊची मेरे पे कंप्यूटर लगा बटीलो करो पीजीडीसीए सी लगा कंप्यूटर बटी वो तो का जो कंप्यूटर थोड़ा सा है कि प्रचलन बहुत ऊम ऊची ये कंप्यूटर सीख लो रे तुम्हें नौकरी लागल गतिवा तो कंप्यूटर कंप्यूटर सीखो हम उमला सब पूरा सी प्लस प्लस सब जो प्रोग्रामिंग करण वाला सब हां सीखो तो भी बाद में फिर में रुद्रपुर एक कंपनी झुंगा उमला मिल जो काम करो छह सात महीना उमला मिल काम करो लेकिन दिक्कत ये मैं अगर एकदम आदिम या तो बांसुरी को कोई भल कोई को मार्गदर्शक मिलो तो कोई मार्गदर्शक में काम करो तो है यहाँ तक की मील फिर बाद में सुनो मील बाद में यो बी वहां बटी में संगीत बड़ी मतलब बांसुरी में संगीत बांसुरी में बीए हाँ, जो बांसुरी लीजिए ना मतलब संगीत विषय में बांसुरी बटी में वहाँ पे करना कोशिश करो तो वहाँ मेरा एडमिशन नहीं मिल के उनका बांसुरी एग्जाम का बहुल कशी हल के और ओ, तो कौतूहल विषय हुए ना तो उनका सुशीर्वाद फिर कोई वहाँ हमारे जो छो Uh, उच मतलब जो सो जाने वाले यार क्यों नहीं इसका तो होना चाहिए एक ही हमारे पास विद्यार्थी है फिर एक के लिए पूरा वो सिस्टम बैठाना पड़ता है उनको एग्जाम के लिए hmm. तो वो भी एक अच्छा दिन था फिर उन्होंने वो पूरा सिस्टम पर बैठाया hmm. उसके बाद मेरी पर परीक्षा भी हुई फिर मैंने कहा वहां कहा से भागी? हाई स्कूल इंटर वही जो है बागेश्वर में फिर हमने मैंने वहां से जो है इसमें से हाई स्कूल भी किया बांसुरी से हाँ संगीत से ना बांसुरी मतलब संगीत विषय में बांसुरी बासुरी से फिर मैंने वहां से फिर जो है बारहवीं भी करा

अच्छा आ, जो जो रेगुलर वो सीखी हाँ तो वहां खैरागढ़ मित्र थे उन्होंने बता दो अच्छा। हाँ। लेकिन हमारे काफी दूर ले फिर जो यह, यह करो हाँ, हाँ।

जो जो मतलब हिंदी शो आपको काम कर सकता और बगैर अगर तुम और ज्यादा एक्सपर्ट बनना जाता तो आप अचल में उनको तुम सेल कर सकता जो की तुम करना हा हाँ, है। तो लगी नहीं हाँ। तो आ, ये मैं अवसर बहुत छबल कम उड़ा लेकिन शुरुआत में ना शुरुआत में जो बहुत

आवाज है तो बढ़िया लगू और को को बासुरी ठीक छुरी ना चुनाव यह बहुत एक मतलब एक अतिरिक्त विषय तो अगर मैं तुम जॉब वाल बात करता तो तो जॉब में तो ये उसी परमानेंट जॉब ना लेकिन अगर तुम एक जो सरकार जो मतलब गाइडलाइन छन हिसाब जो तुम पहले बी करो फिर बाद है एम करो संगीत बैठी फिर बाद है नेट निकालो फिर ये करो फिर ये बात जो एक प्रक्रिया पूरा इसी निकाल तुम कथित टीचर बन सकता चल हाँ प्रोफेसर लेकिन वीक वैकेंसी बहुत कम निकलनी प्राइवेट स्कूल में तुम अगर संगीत तुम अगर सीख लो बांसुरी बैठी

काफी लोग सुननी और मेरा यूट्यूब में का काफी लोग जो फॉलो करनी और सुनने लगे कमेंट लगनी और कुछ जो छो लोग वहाँ पे कुछ फोन लग करनी और कुछ पूछू लगनी कुछ यहाँ पे लिमो जा काफी छन यहाँ हल्द्वाड़ में भेल मिल जो काफी लोग उनका वहां और उन्होंने मेरे का संपर्क करो तो कारण तो रील सबन का ये क्योंकि थोड़ा सा इसमें जो मतलब जो पैसन धरो थोड़ा इमा अपना मतलब इंतजारी करो समय और इमा जो मेहनत करो तो हाँ, बात कि लोग हर आजकल जाओ सब जो जो जो, 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 तो जो, जो, जो 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 गिटार का या उनको ज्यादा उरूक ना एक न्यू मॉडर्न टाइप ऑफ हमारे जो बातचीत हो और दूसरा हर जगह तुम हल्का साह सकता और कहकर सपोर्टिंग वो हमारे बढ़िया काम करूं गिटार अब हालांकि बांसुरी बहुत सरल एक जो देखो और अगर तुम आप देख कह उठेगा तुम ले सकता जो हारमोनियम ले जान में दिक्कत हो तबला ले जाने में दिक्कत हो की बोर्ड जान में दिक्कत हो अगर तुम आप जेम में डालो छोटा बैग में डालो कति ले जाओ और ज्यादा महंगा लेना

कोणी यो हमका पहिली ब बहुत जोछु लाग भल लागसी अब हमका समय न लाग अब आजकल हम ननती नन बोरी कोई अच्छा नेतन साबित खाऊ दने या हम गलत हन या तो आप योखला उदासी खला वशी गयो आज मेहमान ने यलो छ की पुढावा म जावानी यखला जा तो ये मेरे ख्याल बढ़िया साथी हूँ आदि तो ये बेटी की योग और ध्यान ले बहुत बढ़िया और तो तय चक्कर में लोग मतलब ये सीखना को मरना मेरे पास दस साल के लिए पैंसठ साल तक आदमी ये, ना ये ना बार बार जानकारी ले ली और सीख ले ओ, जी। बहुत तो मोहनदा जैसे तुम ये बासुरी में तुम दस साल बैठे मल्ली मतलब तो काफी अरसा हो गया जी जी तो मोहनदा आपने कभी को कोशिश नहीं करी मतलब कोशिश आपने करी है जी. जैसे और जो नई पीढ़ी आ रही है उनको सिखाने की या अपना खुद का ऐसा संस्थान खोलने की जहाँ पे नए लोग सीख सके ऐसा कुछ आपने अपनी तरफ से इनिशियटिव लिया था अब देखो अभी तक तो मई इसको सीखने में लगा था और इसी के बारे में सर्च कर रहा था कि ये बांसुरी कैसे बनती है बांस कहाँ से आता है बांसुरी में सुर कैसे बनाते हैं बांसुरी को कैसे हम अच्छी तरह से बजाएं रिकॉर्डिंग में कैसे बांसुरी बजाएं माइक में कैसे रखें ये सारी टेक्निकली और दूसरा इसको बनाने के लिए मैंने अभी कोशिश की तो लगभग मैं छह सात साल से बांसुरी बनाने में मैं, क्योंकि बांसुरी बनाने के पीछे भी एक ये कारण रहा बासुरियाँ सही नहीं मिल पाई बासुरिया सुर में हो पाना बहुत मुश्किल से होता है जो बड़े बड़े वादक हैं उनके पास बासुरियाँ ऐसी होती है कि बहुत ही बेहतरीन बांसुर होती है और जो यहाँ जो मार्केट में आती है बांसुरियाँ बहुत ही मतलब ये बिल्कुल अनबैलेंस होती है पूरा सुर से बिल्कुल बिखरी हुई होती है हाँ कई चीज है तो, तो क्या ध्यान देना पड़ता है बनाते शुरू मतलब की लकड़ी को आप इतना सुंदर आकार दे देते हैं दे क्या क्या मेहनत लगती है उसमें अब उसमें मेहनत यह है कि देखो पहले तो लकड़ी का चुनाव भी होता है लकड़ी आपकी मजबूत है पकी है नहीं है पुरानी है नहीं है कीड़ा लगा हुआ तो नहीं है कमजोर लकड़ी तो नहीं है जो उसका बांस आता है वो एकदम फ्रेश अच्छा बांस होना चाहिए दिखने में भी वैसे भी हम उसको जो ट्राई करते हैं उसके बाद इसमें फिर बांसुरी बनाई जाती है फिर उसकी प्रक्रिया होती है उस हिसाब से उसको बनाया जाता है उसमें सुर रखे जाते हैं उस हिसाब से बांसुरी बनती है जो अभी आपने पूछा कि इसमें आपने कोई बच्चों को सिखाने का अभी मेरा एक प्रयास था कि मैं कुछ बच्चों को इसके जो है कार्यशाला मतलब के माध्यम से कुछ को सिखाऊं बताऊं करके तो मैंने एक जो है प्रोजेक्ट अभी बना के अभी सरकार को भी भेजा उत्तराखंड सरकार को भी भेजा अच्छा। तो उनको लगा कि हाँ ऐसा कुछ होना भी चाहिए करके तो अभी मेरे को बागेश्वर जिले में मैंने पंद्रह दिवसीय इसका जो है कार्यशाला भी लगाई और जिसकी मतलब जिसमें मैंने जो है पांच दिन जो है डाइट में रखा और जो है पांच जो अन्य जो हमारे पास पांच पांच दिन बचे थे उनको मैंने सरकारी स्कूलों में वो वो उन्होंने भी पहली बार तो हो बोले कि ऐसा कार्यक्रम आज विद्यालय में हो गया हमारा कि हमने सोचा ही नहीं था अच्छा। तो उनको देखे भी लगता है कि ऐसे मैं ही नहीं हर हर व्यक्ति को ये कार्य करना चाहिए अपने लोकवाद्यों को अपने लोक चीज को जो हमारे वहाँ पे लोग बिता सकते हैं संगीत है खान है पहनावा है

बागेश्वर और हुडुक फेमस हु बागेश्वर में हुडुक कहीं नहीं मिलो तुमको बागेश्वर में हुडुक मिला करना पहली बेटी कुछ चर्चा जो पहली बार वहीं हुडुक ने, ने। तो अब उन्होंने कहा यार वहाँ बागेश्वर बेटी हुडुक लिए था बागेश्वर में हुडुक कहाँ मिला और हुडुक ना को बढ़ूँ और कशी बढ़ो नहीं क्योंकि वहाँ लागे नहीं तौला फिर एक शोधा विषय हुई ना वहाँ देवियों को चार सितुंड बल बल सब चीज़ लेबे तब बड़े बेदन हुआ उल्लेखित भल बड़े बेदन

और जो अन्य कलाकार कलाकार है जो बनाते हुए अभाव ऐसी अविष्कार की जन होता कहते हैं तो हड़का बनाना शुरू कर दिया झूले को जिसको हम लेके जाते हैं उसका बिल्कुल बिल्कुल अब क्योंकि ना देखो ये भी कहते हैं जहाँ आदमी की चाह होती है वहाँ राह होती है तो आप सोचो मैं तो सबसे एक ये मेरा संदेश देता हूँ आप कुछ, आप कुछ कल्पनाएं करो मन में अपने मन में कुछ अपने क्षेत्र को लेके अपने कार्य को लेके कुछ कल्पनाएं करो तो ऊपर वाला भी साथ देता है वो भी मतलब रास्ते दिखाता है कि ये है और ये है करके तो फिर मैंने हुड़का वहां से बना के उनको मतलब उनको दिया और अच्छा लगा फिर मेरे को लगा यार हुका अगर हमारे बागेश्वर की पहचान है तो इसको भी मुझे आगे रखना चाहिए क्योंकि चलो हमारे दोस्तों और यह अगर कोई संगीत में लग जाओ तो चार चांद जानी हमारा चाचरी और सब यमुनी होनी है ना हुकी बॉल यमुनी लागू जागर यमी लागू मणि काम चलो तुम। नहीं, कहीं नहीं है और फिर पहुंचाई जाओ और ये मतलब ये हो एक बहुत स्तर पर जो काम जो जारी कर जाओ फिर बीच में हम जो लखनऊ जरसाला जब ये जो कार्यक्रम में लौटिया तो वहाँ जो जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री थे हाँ माननीय श्री योगी जी उन अमूल लियो एक फिर जो छो भेंट करो हाँ एक जो छो बाी और हुड़का तो यो दर्शो की यो एक लोक कला सम्मान जो छू बहुत ठुल ठुल मंचन में हूँ तो हमूल आपो लोक कला बेटी पछीन उड़ते हैं और चाहे वो हमारे हो बांसुरी हो रणसिंगा हो तुतुरी हो खानपान हो पहना हो चीज हो तो इनका मान लेना चाहिए पूजा दल के जहाँ तुम सोच ले नहीं सकना तो ये में तुमका कुछ आवाज और कुछ बोल और कशी जगह हम बजून वो लोक गीत में लोक संगीत में तो मैं तुमका सुनू उड़का वस्ट को अगर हम गाना गीत में अगर बजोना जब तो, तो इसी बाज लो को

जैक कोई खास पहचान नहीं है और जैक कोई खास कथी कड़ी मतलब कोई नाम नहीं तो विल जी तो एक बहुत यश किस्म है कि हम कोई नई दुनिया में लगी हो ठीक सुने अब कहाँ वहाँ गाँव बटी हमारा हल्दाना में मुश्किल हो हम यहाँ पे दिल्ली जब दुबई में गई तो एक अपना आप एक मतलब ये जो की लोक संस्कृति का विल हम आगे बढ़ हाँ पूछगी तो कोई संस्था माध्यम सरकार तरफ बटी ना ना सरकार तरफ तो तरफ किस्मत जो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम तो आई तले तो नीजे रह हम हालांकि तो, तो अलग छो कोई अपने जो निजी वहाँ संस्था छो तो उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ दुबई करने तो वो हर साल लगभग दो हजार छः सात बटी वहाँ कार्यक्रम रखे

फिर न्यूजीलैंड हो गया कि खैर दुबई तो हमको बाद में फिर ये वाला लगभग कि दुबई में लगभग यहाँ बैठे हमको जो चार घंटो बांट छो दुबई अगर तुम यहाँ दिल्ली में बैठ दो चार घंटे बोलो को, को चार घंटे से हाँ, हाँ, भाई एयर में जब तुम जाला तो चार घंटे हाँ, हाँ। अब जब न्यूजीलैंड गिना तो वहाँ करीबन ग्यारह बजे पंद्रह घंटा अठारह घंटे तक छू बा

तो तो रोमा और बहुत बढ़िया रोमा कार्यक्रम ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ लेना चाहिए ऑटोग्राफ देखो ऑटोग्राफ पर तरीक प्यार जता है हाँ, ऑटोग्राफ मान भी चलो वहाँ वो जरूर वहाँ प्रवासी लोग थी अलग अलग जाजा उनर जो छो आप काम चीज़ जो कह रेस्टोरेंट थी तो दे अच्छा, गिफ्ट दे अच्छा। तो तय हमारे ऑटोग्राफ लगवाई तय जो सम्मान लगवा और कई हम लगभग एक हफ्ते रहे और काफी लोग ना तो वह हम... वहाँ लोग हमको प्यार दिए तो ये जब लौटो था ना तब वो जो फीलिंग्स थी हमर लोग क्या कहीं ये लीजिए

तो, तो अभी तक कद बास और कदू हडू बड़ा ली तुम्हें घर में लगभग दी ढाई सौ हड़ुक तो मिल जो देख ली लोगों ने बड़ा वीर अच्छा। और मिल एक हु

चलते चलते हम लोग बाँसुरी फिर सोने पर मुरुल

ना ना, A, B, A, B, ना, ना, ना जो कही ना और एक जो बेस कही ना तो जस हम अगर हम ए वाल बांसुरी बढ़ो ना तो सी वाल में तो अधिकतर सी तक वाल में तो, तो जो बेस और जो मिडिल बांसुरी बढ़नी ये में जो मतलब जो छोटा बांसुरी हाँ वो नहीं बढ़ा और जस्ट जो डी सार

तो जो ये हमार जो लो ऑक्टेव छो तेल जी अलग बांसुरी हमको पढ़ना पड़ा अच्छा आखिर की अच्छा। भी लाइक जो जो तेल के लिए ऑल भाई ना सुर तो ये जो यमुने एडजस्ट नहीं होगा ना उस फिर होगा अलग तो बांसुरी बढ़ोन में तो चीज थोड़ा सा ध्यान दे दिया चलो और... हमें तुमको सुनो सरगतारा बिल्कुल ये मैं सुनो सा की तैयार हाँ तो यह सरग तारा जो रहता रहा था और एक तुमको सुन देने में कहले बजे तो यह चीज मतलब ये मुरिल जैसे ज्यादा 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 ये बेहतर हमें पहाड़ में मतलब पहाड़ की तरफ हमें ले जा रही ना हाँ। तो ऐसा भी है कि कमरों के अंदर सुनने की फीलिंग अलग होती है और आहा कती हिमालय में भैर पहाड़ में जब हाँ। ना, हम तो जब ले, हाँ। जब लेगा बजूनो तो हमेशा हमारे हाँ। दिमाग को दिल को हमें बजूनो कहे लेकिन हमारे वहाँ ये अलग होगी हम कहें पहाड़ में बैठे बैठ रही हूँ तब हम फीलिंग लाऊ ये चीज

दिनचर्या मैं कि हम जो के हम, तो यार जो हम जो वहां बटी जो छो बासर बेटी यहाँ हल्द्वाड़ा यहाँ क्या की वहाँ थोड़ा स्कोप नहीं होगी तो वहाँ बटी हल्द्वाणी फिर यहाँ रेंट में रही और जो छो अभी बात है कार्यक्रम खोद गया फिर जो छो दिन नंति लन यारे घर भाई छो हम यहाँ हल्दवाणी और कब तक जो छो हर महीने में ये दू वहा जानू घर वहा बाबू छ अच्छा। तो यहाँ ले और जो घर वहाँ बाइक जो जाते आई जान हो अच्छा। तुम्हें हर मेला में नुमा और तो व्यस्तता बहुत ज्यादा कार्यक्रम में आप भी नहीं कब तक लखनऊ मेंिकॉर्डिंग है, के, मौलन है, के, है के, और कब तक फिर अपना जो निजी काम ले गए मेहनत आने अलग अलग छो हमारा हाथ पे वहाँ लोग मतलब वहाँ तो आप तो

वो जो बांसुरी का उनको बाको बिलकुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अभी कल्चर यूरोप में जैसे थाना की बैठे हैं और हाँ। म्यूजिक सुन रहे हैं या नुक्कड़ हो रहे हैं या कुछ हाँ। भी हो रहा है तो ये कल्चर यहाँ भी अब आ रहा है तो अच्छा है शाम का वक्त इस तरह से अगर हम बिता पाए तो इससे बेहतर होगी हो तो मोहनदा बहुत शुक्रिया आपका जी अगर कोई हमारे दगड़ी जो सोनीत का खरीदन चाह जा कद रेट पड़ो कशनी लगभग जो बांसुरी में अगर पहली बात करूँ तो आठ सौ रुपया शुरू छू मैं वहाँ हाँ ये मैं जो फुल मार्केट में मा जो तुमका छः लगभग छः सात हज़ार एक बाँसुरी मिलो वो मैं तुमका जो पर जो आठ सौ रुपया बेटी शुरू हो गई साढ़े तीन हज़ार तक में वो उपलब्ध जो हाँ सी बी तक और दूसरा और हुड़ुक जो छो ये हमार जो जो लगभग पच्चीस सौ रुपये स्टार्ट छो और पैंतीस तक मिली है जो छो कीमत दर की कि अलग अलग जो रिकॉर्डिंग वाले छोड़ थोड़ा सा काम और जो जो विशेष टाइप का जो काम करना पड़ो और एक साउंड थोड़ा सा अलग हो तो जो सिकाणी वाले छोटे लगभग जो जो पच्चीस स्टार्ट छू पैंतीस सौ तक हुड़ुक जी तो मोहन बहुत बहुत धन्यवाद अपन बहुत धन्यवाद हमारे दुख पहाड़ है शहर करुणाल जी अरे हाँ हेलो हल्द्वानी रेडियो को बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ यो कलाकार का बुलाते रहने और उन और मतलब उन जो माध्यम से उन्होंने पा जो संगीत या उन पा लोक संगीत या जो उन पा लोक जाते रहे उनको जन जन तक पूजो नहीं और यह हसकों को अपन मतलब अपनाओ और वीर जो लाभान्वित हो

ईसा तुम हम मोहन को अलग कर सकता और जय अलग तुम के समस्या होल के तुम सुनो की इच्छा होल मोहन दाह दोबारा तो हम आप बता सकता बिल्कुल तो तय का दगड़ मैं सुनीता भास्कर मैं रजत जोशी हो इजाजत नमस्कार नमस्कार